बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे प्रवास, या हम जिसे माइग्रेशन कहते हैं। तो इस पर एक विस्तृत चर्चा करने से पहले कि प्रवास क्या है, इसके कारण कौन कौन से होते हैं, और प्रकार कितने प्रकार के प्रवास होते हैं, या धाराएं कौन सी है, और प्रवास से क्या परिणाम निकलते हैं या क्या प्रभाव होता है, इन सब पर बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी, जिससे आप प्रवास को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति कार्य करते हैं इंजीनियर के रूप में, जिनका नाम है रामलाल। ये रामलाल यहाँ पर बीएसपी में कार्य करने के कारण रहते तो हैं, लेकिन इनका जन्म यहाँ पर नहीं हुआ है। इनका मूल निवास स्थान जो है वो बिहार है। इनके माता पिता बिहार के ही एक गांव में रहते हैं अभी भी, और इनकी पढ़ाई जो है वो बिहार के ही पास एक शहर में हुई, और उसके बाद सर्विस लगने के कारण इनकी पोस्टिंग जो है वो भिलाई के भिलाई इस्पात संयंत्र में हो गई, और यहाँ पर ये बस गए। यही इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इनके दो बच्चे हो गए। दो बच्चों में भी एक जो है वो पढ़ाई करने के बाद यूएसए में सेटल हो गए हैं, और एक जो है वो सूरत में है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है? और ये तो एक व्यक्ति की हमने कहानी बताई, और ऐसी ही कहानी जो है वो अपने आसपास जो है रहते हैं व्यक्ति, आपके जो पड़ोसी रहते हैं या आपके जान पहचान में, उन सब में ये कुछ इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो आप देखते होंगे या सुनते होंगे। हमने देखा कि ये जो रामलाल हैं, ये तो मूलतः बिहार के निवासी हैं, वहीं उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई, और सर्विस के कारण ये छत्तीसगढ़ में आकर बस गए। और चूंकि इनकी सर्विस यहीं थी, इसलिए इनका पूरा परिवार यहीं पर बस गया, और फिर बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने के बाद अच्छे पद में आ गए, और कोई विदेश में जाकर बस गया, और कुछ एक बच्चा जो है वो दूसरे राज्य गुजरात में, गुजरात के सूरत में बस गया। अब उनकी जो फैमिली होगी वो वहीं पर सेटल हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रवास हुआ, प्रवास मतलब एक व्यक्ति का एक जगह से दूसरे जगह की तरफ स्थानांतरण हुआ, और इससे हम समझ सकते हैं कि प्रवास जो है वो मूल रूप से, यदि हम कहें कि प्रवास क्या है, तो इस कहानी से हमें समझ में आया कि किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरण जो है वो प्रवास कहलाता है। ये प्रवास कई कारणों से हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा था, इसमें ये जो कहानी थी इसमें प्रवास का कारण या उस रामलाल नाम के व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण का जो कारण है वो उनकी सर्विस थी, उनका जॉब था, जिसके कारण वो एक राज्य से दूसरे राज्य के दूसरे राज्य में आकर बस गए। तो ऐसा ही कारण जो है वो हमने एक तो सर्विस देखा, रोजगार मुख्य कारण था, और ये स्थानांतरण या प्रवास जो है वो शिक्षा के कारण भी हो सकता है, चिकित्सा के कारण भी हो सकता है, आवास के कारण भी हो सकता है। और यदि हम प्राचीन समय में नज़र डालें या देखें, तो हमें समझ में आएगा कि ये स्थानांतरण या प्रवास व्यक्तियों का, जनसंख्या का, वो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्राचीन काल में भी भोजन की तलाश में, जल की तलाश में, या एक उपजाऊ भूमि की तलाश में व्यक्ति जो है वो स्थानांतरित होते रहे हैं। तो प्रवास या व्यक्तियों का जो स्थानांतरण है, ये कोई वर्तमान की नई घटना नहीं है, ये तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। और हम देखेंगे कि जो प्राचीन समय में व्यक्ति जो है वो जल की तलाश में, किसी उपजाऊ भूमि की तलाश में या भोजन की तलाश में, तब भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते रहे हैं। तो ये नई घटना नहीं है, प्राचीन काल से ही हो रही है। और अभी वर्तमान में हम कहें तो इसकी प्रवृत्ति जो है वो बदल गई है। अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यदि आपके आसपास के शहर में
कोई शिक्षा का या उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है, तो आप अपने राज्य से या अपने शहर से, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, या और अच्छी उच्च शिक्षा का साधन दूसरे राज्य में है तो आप दूसरे राज्य की तरफ प्रवास करते हैं। या भी जो हमने एक छोटी सी कहानी देखी उसमें सर्विस भी एक कारण था, मतलब रोजगार के कारण भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना पड़ता है। और एक अच्छी चिकित्सा भी जो है वो प्रवास का मुख्य कारण हो सकती है। तो प्रवृत्ति जो है वो अभी थोड़ी बदल गई है, लेकिन प्रवास प्राचीन काल से ही हो रहा है। अब हमने ये तो देखा कि प्रवास क्या है, अब इसके प्रकार देख लेते हैं। तो प्रकार जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्प्रवास होता है और दूसरा आप्रवास। उत्प्रवास मतलब एमिग्रेशन, जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवास होता है, या मैं कहूँ कि व्यक्तियों का स्थानांतरण होता है, तो जिस स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान की तरफ जा रहा है, जिस स्थान से जा रहा है वहाँ के लिए वो इमिग्रेंट होगा या इमिग्रेशन कहलाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से व्यक्ति दूसरे स्थान की तरफ जा रहे हैं, तो ये उत्प्रवास कहलाता है। और जिस स्थान पर जा रहे हैं वो जिस स्थान पर वो जा रहे हैं वहाँ के लिए वो इमिग्रेंट होंगे या आप्रवासी कहलाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रवास या व्यक्तियों का स्थानांतरण जो है वो जनसंख्या के पुनर्वितरण का काम करता है, या जनसंख्या के पुनर्वितरण में इसकी अहम भूमिका है। वो कैसे, जैसे अभी हमने देखा उत्प्रवास या इमिग्रेशन, तो उत्प्रवास से जिस स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान की तरफ जा रहे हैं, जिस स्थान से उन्होंने प्रवास किया वहाँ पर जनसंख्या में कमी आ जाएगी, लेकिन जिस स्थान पर वो जा रहे हैं निवास करने के लिए वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो जनसंख्या के पुनर्वितरण में इस प्रकार से इसकी एक अहम भूमिका है। हाँ, अब हम एक प्रकार और बात कर लें, ये प्रवास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति परमानेंटली किस स्थान पर जाकर रहना शुरू कर दे, इसके भी कई प्रकार हैं और इसके पीछे कारण जो है वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे ये प्रवास स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। इस कहानी का ही हम उदाहरण लें तो इस पे हमने देखा कि वहाँ पर ये जो रामलाल हैं वो जॉब के कारण, अपने रोजगार के कारण छत्तीसगढ़ में आकर वो स्थायी रूप से बस गए, क्योंकि उनकी जॉब जो है वो स्टील प्लांट में ही रहनी थी, इसलिए वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के परमानेंट निवासी जो हैं, या हम कहें स्थायी प्रवास, ये स्थायी रूप से वो यहाँ पर आकर बस गए। लेकिन अगर आप अपने आसपास, जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं सुबह सुबह, तो आसपास के गांव से जो सब्जी लगाते हैं, सब्जी उगाते हैं बाड़ी में, वो अपनी सब्जी को बेचने के लिए आसपास के शहर में आते हैं। आपके घर में एक रोज़ दूध वाला आता है तो वो शहर में ही निवास नहीं करता, वो आसपास के गांव से दूध बेचने के लिए आता है। तो ये किस प्रकार से प्रवास तो ये भी कर रहे हैं, या आपके माता या आपके जो पिता हैं या आपके घर के कोई मेंबर सर्विस के लिए या रोजगार के लिए, हम देखेंगे कि आसपास के 2 से 3 घंटे के रास्ते में वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ या गांव से शहर की तरफ स्थानांतरित होते हैं या रोज आना जाना करते हैं। तो ये स्थायी प्रवास नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये स्थानांतरण जो है वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी का उदाहरण हमने इस कहानी में देखा था, लेकिन अस्थायी प्रवास का उदाहरण जैसे एक सब्जी वाला, एक दूध वाला, कोई फल वाला, या रोजगार की तलाश में, या आप पढ़ने ही, आपके गांव में उच्च शिक्षा या कॉलेज नहीं है, स्कूल तक की शिक्षा का साधन है, तो आप दूसरे पास के शहर में रोज कॉलेज जाने के लिए अपने गांव से उस शहर तक आना जाना करते हैं। तो ये सभी जो हैं वो अस्थायी प्रवास या अस्थायी स्थानांतरण के उदाहरण हो गए।
बात ये है कि भारत में ये जो प्रवास है, हम कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति वहाँ का निवासी है या नहीं है, या वो स्थायी प्रवास कर रहा है या अस्थायी प्रवास कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रवास से जो संबंधित आंकड़े हैं, चाहे वो उत्प्रवास के हों या अप्रवास के हों, ये आंकड़े जनगणना से हमें प्राप्त होते हैं। और यदि हम बात करें तो प्रवास से संबंधित जो आंकड़े हैं, वो प्रारंभिक जो जनगणना हुई थी 1881 में, तब से ही ये आंकड़े जो हैं वो एकत्रित किए जा रहे थे। लेकिन तब जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे थे, वो जन्म के स्थान के आधार पर किए जाते थे। उसके बाद समय के अनुसार और अलग-अलग जो जनगणनाएं हुई, उनमें इसकी प्रवृत्ति बदली और इसमें थोड़ा संशोधन किया गया। और हम देखते हैं कि उसके बाद 1961 में जो जनगणना हुई, उसमें प्रवास से जो संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, वो जन्म स्थान के साथ साथ निवास की अवधि, मतलब जिस स्थान पर वो व्यक्ति निवास कर रहा है, वहाँ पर कितने समय से वो निवास कर रहा है, तो जन्म स्थान और निवास की अवधि के भी जो आंकड़े हैं, इसके आधार पर एकत्र किए गए। फिर इसमें थोड़ा संशोधन हुआ और वो 1971, 1971 में हम देखते हैं कि जो पिछला निवास स्थान और प्रवास स्थान पर रुकने की अवधि, मतलब पहले व्यक्ति अभी जहाँ पर वर्तमान में निवास कर रहा है, कितने समय से वो रह रहा है, और इसके पहले जहाँ पर वो रहता था उस स्थान, दोनों के आधार पर ये आंकड़े जो है वो इकट्ठे किए गए। और वर्तमान में हम देखते हैं कि 1981, 1981 की जो जनगणना हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया और उसमें ये बात शामिल की गई कि जो भी स्थानांतरण हो रहा है, व्यक्ति किसी स्थान पर आकर निवास कर रहा है, तो उसके कारण की जानकारी जो है वो इसमें ली जाती है। मतलब ये प्रवास क्यों किया जा रहा है, प्रवास के पीछे कारण क्या है, क्या वो शिक्षा के कारण है, चिकित्सा के कारण है, या रोजगार जो है वो उसका मुख्य कारण है। तो इसमें 1981 की जनगणना में प्रवास के कारणों को भी शामिल किया गया। अब इसमें भी जो गणना की गई, प्रवासियों की जो गणना की गई थी, वो गणना के दो आधार थे। पहला जन्म का स्थान और दूसरा निवास का स्थान। तो जो जन्म का स्थान था, उसमें ये देखा गया कि जन्म का स्थान यदि गणना के स्थान से भिन्न है, मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ है और वर्तमान में जहाँ पर जनगणना की जा रही है उस व्यक्ति की, वो दोनों अलग-अलग जगह हैं, तो उन्हें जीवन पर्यंत प्रवासी माना गया। और दूसरा था निवास स्थान के आधार पर। तो जो निवास स्थान के आधार पर किया गया, उसमें निवास का स्थान पिछले निवास स्थान से यदि भिन्न है, तो पिछले निवास स्थान के अनुसार उस व्यक्ति को प्रवासी माना गया। तो हम देखते हैं कि प्राचीन या हम प्रारंभिक जनगणना की बात कर रहे हैं, तब से ही ये आंकड़े, प्रवास से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए गए और समय के अनुसार जो है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया। अगला हम देखते हैं कि प्रवास की धारा, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, मतलब किस तरफ, किस ओर जो है वो प्रवास हो रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो प्रवास की धाराओं में जब हम बात करेंगे, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या इंटरनेशनल माइग्रेशन, और दूसरा होता है आंतरिक प्रवास। इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जैसे कि यदि आप भारत के निवासी हैं, या हम इस कहानी पे ही, हमने जो ये छोटी सी कहानी देखी थी रामलाल की, उसमें हमने देखा कि उनके जो दो बच्चे थे, उसमें से एक जो बच्चा है वो यूएसए में सेटल हो गया। तो ये क्या हुआ, भारत से, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से उस व्यक्ति ने कहाँ प्रवास किया, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो एक हम क्या देख रहे हैं इस प्रवास में, एक देश से दूसरे देश की तरफ कोई व्यक्ति जो है वो जा रहा है। तो जब भारत से वो गया, तो यहाँ के लिए वो इमिग्रेंट हो गया या उत्प्रवासी हो गया, लेकिन जब वो यूएसए में जाकर बस रहा है,
संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वो इमिग्रेंट या अप्रवासी कहलाएगा। तो एक जब एक देश से दूसरे देश की तरफ व्यक्तियों का स्थानांतरण होता है तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और दूसरा होता है आंतरिक प्रवास। तो आंतरिक प्रवास में हम देखेंगे कि एक देश के अंदर ही जो है वो प्रवास होता है, लेकिन एक देश के अंदर ही जब प्रवास हो रहा है तो वो कैसा होगा, या तो एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जाएंगे व्यक्ति, या फिर एक राज्य के अंदर ही जो है वो प्रवास होगा। तो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आंतरिक प्रवास के भी दो प्रकार हो गए, पहला अंतरराज्यीय और दूसरा अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय मतलब जैसे मैं फिर से इस कहानी का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, किसमें हमने देखा कि रामलाल जो है वो बिहार से आकर छत्तीसगढ़ में बस गए। तो बिहार एक राज्य है और छत्तीसगढ़ दूसरा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जब रामलाल ने स्थानांतरण किया, या हम कहें कि वहाँ पर वो आकर बस गया, तो ये अंतरराज्यीय प्रवास हो गया। लेकिन अंतरराज्यीय में इसके भी चार धाराएं हैं, या तो व्यक्ति जो है वो उस राज्य के ही अंदर एक गांव से दूसरे गांव की तरफ प्रवास करेगा, या गांव से नगर की तरफ प्रवास करेगा, नगर से नगर की ओर प्रवास, या नगर से गांव की ओर प्रवास। तो इसमें हम अपने छत्तीसगढ़ में ही यदि एक उदाहरण ले तो हम देखते हैं कि ये जो धाराएं हैं, हम प्रवास की धारा देख रहे हैं, इसमें भी प्रवास का जो हमने देखा था ना प्रकार, मौसमी, दैनिक और वार्षिक, तो मौसमी प्रवास जो है वो हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। फिर हम इसमें चाहे अंतरराज्यीय प्रवास की बात करें या अंतरराज्यीय प्रवास, हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अधिकतर जो इलाके हैं वहाँ पर 6 महीने जो है वो कृषि कार्य किया जाता है। लगभग मैक्सिमम जो एरिया है वहाँ पर देखते हैं कि एक फसली धान ली जाती है, तो यहाँ के जो किसान हैं वो अगले 6 महीने में बेरोजगार हो जाते हैं। तो वो काम की तलाश के लिए या तो अपने गांव से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं, या गांव से शहर की तरफ प्रवास करते हैं। तो अंतरराज्यीय भी प्रवास होता है, और हम इसमें अंतरराज्यीय प्रवास भी अपने छत्तीसगढ़ में देखते हैं। और हम ये देखेंगे कि इस 6 महीने में जब वो बेरोजगार होते हैं तो भारत के ही अलग अलग राज्यों, चाहे वो दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, यूपी हो गया, इस तरफ वो प्रवास करते हैं काम की तलाश में। और उसके बाद फिर जब कृषि के वो 6 महीने, मतलब जून जुलाई मई जून का जो समय आता है, तो उसमें फिर से वो अपने धान की बुआई या फसल की बुआई के लिए वापस अपने मूल स्थान की तरफ आ जाते हैं। तो ये हो गई प्रवास की धाराएं। हाँ, हम ये भी देखते हैं कि जो नगर से गांव की तरफ प्रवास हो रहा है वो क्यों होगा। गांव से नगर की तरफ प्रवास तो हमें समझ में आता है कि रोजगार की तलाश में, हम देखते हैं कि गांव में बहुत ज़्यादा जो रोजगार के साधन हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन एक शहर में यदि हम जाते हैं तो चाहे वो घरेलू कार्य हो या किसी ऑफिस में कोई काम हो, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो शहर में काम के लिए या रोजगार के मिलते हैं। तो इसलिए गांव का एक जो युवा व्यक्ति है वो काम की तलाश में या रोजगार की तलाश में अपने गांव से शहर की तरफ प्रवास करता है। बच्चों, इसमें एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात और है। जब हम गांव से शहर की प्रवास की बात करते हैं ना, तो जैसे हमने देखा कि प्रवास जो है वो जनसंख्या के एक पुनर्वितरण का प्रमुख आधार है, और इस जनसंख्या के ही जब हम संगठन की बात करते हैं कंपोजिशन की, तो उसमें जो एक लिंग संगठन की बात आती है, जेंडर के अनुसार जब हम बात करें कि कितनी महिलाएं कितने पुरुष, तो उसमें भी प्रवास का एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कैसे, जैसे गांव से नगर की तरफ प्रवास होता है तो गांव के अधिकतर जो युवा व्यक्ति हैं या तो वो रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जाते हैं, या फिर हम देखेंगे उच्च शिक्षा की तलाश में या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गांव से दूसरे शहर की तरफ प्रवास करते हैं।
तो हम क्या देखेंगे, जिस शहर में वो जा रहे हैं वहाँ पर जो मेल यूथ जनरेशन की जो मेल पॉपुलेशन है उनमें वृद्धि हो जाएगी, लेकिन चूंकि गांव में महिलाएं जो हैं यदि उनके हस्बैंड चले जा रहे हैं या भाई है युवा पुरुष की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो जो शहर की तरफ प्रवास कर रहे हैं तो महिलाएं जो हैं वो उस गांव में बच जाती हैं। तो हम ये देखेंगे कि उस गांव में यदि हम जेंडर कंपोजिशन की बात करें तो महिलाओं की संख्या जो है फीमेल पॉपुलेशन जो है वो हमें अधिक देखने को मिलती है। और अधिकतर हम देखते हैं कि हमारे पूरे भारत में जो हमारा समाज है वो एक पुरुष प्रधान समाज है, तो चाहे वो रोजगार के लिए हो या फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इसमें पुरुषों की ही भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है या एक मेल पॉपुलेशन ही जो है वो अधिकतर माइग्रेट होता है। तो जेंडर कंपोजिशन में भी लिंग संगठन में भी इस प्रवास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है या इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अभी हमने पूरी प्रवास की धाराएं देख ली, अब बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हो जिस स्थान पर उसका जन्म होता है उसका जन्म स्थान उसका मूल निवास स्थान उसे बहुत प्रिय होता है, उसे एक हम ये कह सकते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट होता है उस स्थान के लिए, तो क्यों क्या कारण है कि वो मजबूर हो जाता है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की तरफ जाने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रवास के जो महत्वपूर्ण कारण, तो आइए हम बात करते हैं प्रवास के इन महत्वपूर्ण कारणों पर कि किस कारणों से किन कारणों से कोई व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जो प्रवास या स्थानांतरित होता है। प्रवास में यदि हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि पूरे भारत में हमको एक समान प्रवास की स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिलती, इसमें भी स्थानिक भिन्नता है। स्थानिक भिन्नता मतलब जैसे यदि हम चले जाएं महाराष्ट्र में तो हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले जो आप्रवासी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लोग जो हैं वो जाते हैं रोजगार की तलाश में। इसके बाद यदि हम देखें कि जो उत्प्रवास है या एमिग्रेंट्स, तो इसमें हमारे भारत में पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है और दूसरा बिहार का। ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ से बहुत सारी जनसंख्या रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य की तरफ प्रवास करती है। तो आइए हम इस स्थानिक भिन्नता के कुछ आंकड़ों पर एक नज़र डालें।